इधर मुजफ्फरपुर के कुड़नी प्रखंड अंतर्गत किनारू पंचायत ढकहा में एक महादलित परिवार के घर में बाढ़ का पानी घुस गया। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार झोपड़ी नुमा घर में पानी घुसा हुआ है। एक महिला सुनैना देवी ने बताया कि सरकार इनके रहने की व्यवस्था करवाए। वहीं शत्रुधर मांझी ने कहा कि इन्हें इंदिरा आवास का लाभ बहुत पहले मिला था, जिसकी छत से अब पानी भी टपकने लगा है। कहा कि इनके चार बेटे हैं जो सड़क किनारे रहने को अब मजबूर हैं। आप जो यहाँ रह रहे हैं, तो पानी आपके घर में घुसा हुआ है? पानी है घर में। तो क्या लग रहा है कि अभी क्या भोजन वोजन कहाँ से करते हैं? बहुत दिक्कत से खाई थी, कोटा उटा दिए तो खा रहा है। तो अभी सड़के के किनारे रह रहे हैं? हाँ। तो आपके पास अनुदानित जमीन भी नहीं है? ना, ना है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप? की मांग कर जमीन मंगी से रहे ला ना है, दिक्कत है। क्या गो बाल बच्चे अपने के? चार गो। तो सभी के मैंने सब इसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं क्या? हाँ, ऐसी रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? सुनैना दे। ये जगह कौन सा पड़ता है? ढाका है। पंचायत कौन सा पड़ा? किनारू पंचायत। ये मैंने कहाँ पे पानी में कब से रह रहे हैं यहाँ पे? फागुन से। तो यही रहते हैं? जमीन भी है कि नहीं आपके? नहीं, जमीन नहीं है। क्या लगता है कि सरकार जो जमीन आप लोग को अनुदानित जमीन देता है उसमें दिया था कि नहीं? नहीं, कोई जमीन नहीं मिला। नहीं, कोई जमीन नहीं। अभी कहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? ये जगह कौन सा पड़ता है? ये किनारे में पड़ता है। और ये जगह के क्या नाम बोलते हैं? ये ढाका बोलता है, है ना? हाँ। तो ये माने पानी उनके घर में घुस गया, आप कहाँ रहते होंगे? ये रोड के बगल में रहते हैं। माने इस सड़क के किनारे में जो मड़ी बनाए हुए इसी में रहते? हाँ, इसी में रहते हैं। बिजली बिजली कोई सुविधा नहीं? नहीं। घर उड़ कुछ नहीं मिला है? नहीं, घर पहलक्का 20,000 के बाबू जी के सब मिला हुआ। तो घर उड़ नहीं बना था क्या? बना है।